इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में गेंदबाजों के बाद टीम पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने डुबाई टीम की लुटिया। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में टीम पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार। जी हां दोस्तों, कैसा रहा मुकाबले का हाल बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन आप भी पाकिस्तान की इस हार का गुनहगार किसे मानते हैं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मुकाबला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में खेला गया। कप्तान बाबर आजम ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट और विल जैक्स पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। मोहम्मद हसनैन ने आज सॉल्ट को महज 8 रन पर ही आउट कर इंग्लैंड को पहला झटका दिया। इसके बाद इंग्लैंड को दूसरा झटका मलान के रूप में लगा, जो महज 14 रन बनाकर आउट हो गए। विल जैक्स ने 40 रनों की पारी खेली, लेकिन इसके बाद बेन डकेट और हैरी ब्रुक्स के बीच 139 रनों की साझेदारी हुई। बेन डकेट ने नाबाद 70 रन जबकि हैरी ब्रुक्स ने नाबाद 81 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत इंग्लैंड की टीम 221 रन बनाने में सफल हो पाई। उस्मान कादिर को 2 और मोहम्मद हसनैन को 1 सफलता मिली, जबकि सबसे महंगे गेंदबाज शहनवाज धानी रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 62 रन खर्च कर दिए और एक भी सफलता नहीं मिल पाई। जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद ही खराब रही। पाकिस्तान ने 21 रनों के भीतर ही अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए। बाबर आजम 8, मोहम्मद रिजवान 8 और हैदर अली 3 रन बनाकर चलते बने। हालांकि शान मसूद ने मध्यक्रम में 66 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया। ऐसे में आज इस तीसरे टी20 मुकाबले में पहले तो पाकिस्तान के गेंदबाजों ने निराश किया और फिर बल्लेबाजी भी काफी फ्लॉप रही, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस मुकाबले में 63 रनों के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी है और पाकिस्तान की टीम अब 7 मैचों की टी20 आई सीरीज में 2-1 से पिछड़ गई है। तो दोस्तों, आपके मुताबिक इस हार का गुनहगार कौन है, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।